और इधर चुनाव परिणाम और उसकी समीक्षा के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी बीजेपी के भीतर खाने में खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन सर्वोपरि है का नारा देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की पीड़ा हमारी पीड़ा है, तो दूसरी तरफ आज पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में संवाद करने वाले हैं। यूपी में योगी उपयोगी तो है, लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर भी सतर्क है। देखिए रिपोर्ट। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में होंगे और मकसद होगा चुनाव में खून पसीना बहाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद। वो कार्यकर्ता जिनके दम पर बीजेपी की चुनाव मशीनरी चुनाव दर चुनाव जोरदार प्रदर्शन करती आई है। कार्यकर्ताओं की मेहनत को सियासी जमीन पर लोगों को पार्टी से जोड़ने में उनकी भूमिका की सराहना के लिए पीएम मोदी आज उनसे संवाद करेंगे। बीजेपी के भीतर लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर समीक्षा का दौर जारी है। यूपी में जहां पार्टी की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं के नाम पर सियासी तीर चलाए गए, उससे बीजेपी आलाकमान सतर्क है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सर्वोपरि बताते हुए खुद को डिप्टी सीएम से पहले कार्यकर्ता करार दिया और इशारों में सीएम योगी की कार्य प्रणाली पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं की पीड़ा को खुद की पीड़ा से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्या उसके बाद जो हुआ वो सियासी सुर्खियां बनी। मौर्य दिल्ली तलब किए गए, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली आए। आलाकमान ने साफ साफ सियासी पैगाम दे दिया, यूपी में योगी उपयोगी हैं, उनकी स्वीकार्यता है, लिहाजा यूपी में योगी ही बॉस बने रहेंगे। हाँ, भूपेंद्र चौधरी ने अपने इस्तीफे की पेशकश जरूर कर दी, लेकिन उन्हें फिलहाल अगले 2 महीनों तक के लिए पद पर बने रहने को कहा गया। यूपी बीजेपी में अंदर खाने जारी उठापटक के बीच सीएम योगी राज्यपाल से मिले तो कैबिनेट में बदलाव की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की। सीएम योगी की आवाज पर हुई मंत्रियों की बैठक में योगी ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई। सीएम योगी की टीम में 2 डिप्टी सीएम नहीं है। मीटिंग में प्रभारी मंत्रियों ने अपनी बात भी रखी। मंत्रियों ने कहा कि जिताओ उम्मीदवार को ही टिकट मिले, सिफारिश पर टिकट नहीं मिलना चाहिए। मंत्री गार्जियन है, हमारे अभिभावक है, मार्गदर्शक है, निश्चित रूप से चर्चा होती है। पार्टी संबंधित, विकास से संबंधित, मुद्दों से संबंधित, जनता के समस्याओं से संबंधित तो है, और सामने चुनाव है उस पर चर्चा हुई है, और आगे किस तरह की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हम लोग पूरा करेंगे। सरकार की जो चर्चाएं होती है, हर प्रकार की चर्चाएं होती है, बाढ़ से लेकर सभी समस्याओं की चर्चा होती है, अपने विभाग की चर्चाएं होती है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई, और ये सभी का मत बना कि 10 की 10 सीटें हमें जीतना है। जाहिर है यूपी की कमान बाबा के हाथों में है और बाबा का मतलब है विवादों पर विराम। खुद पीएम मोदी ने कुछ वक्त पहले यूपी के लिए योगी को किस कदर उपयोगी बताया था, जरा वो सुन लीजिए। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। फिलहाल यूपी में उठे सियासी बवंडर पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। तैयारी उपचुनाव में जीत की है, लोकसभा चुनाव का बदला उपचुनाव में लेने की है। केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली से लखनऊ लौट आए हैं, लेकिन अब बीजेपी के भीतरी विवाद पर सपा ने चुटकी ली है। केशव प्रसाद मौर्य की लखनऊ वापसी हुई तो बिना नाम लिए अखिलेश ने लिखा, लौट के बुद्धू घर को आए। अखिलेश ने ये तीर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ ही चलाया था, जो दिल्ली से आलाकमान की नसीहत के साथ वापस लखनऊ लौटे।
दिन भर अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार चलता रहा। पहले अखिलेश ने बीजेपी के दुखते रंग को रगड़ा। अखिलेश ने लिखा, कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। दिन पर दिन कमजोर होती बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी खेमों में पड़ गई है। एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। सबकी डोरी अलग अलग हाथों में है और अब तो इंजन की नहीं टिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर पलटवार किया। मौर्य ने कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। बीजेपी 27 विधानसभा चुनाव में 17 दोहराएगी। पीएम मोदी की कार्यकर्ताओं से आज की मुलाकात में संदेश साफ है कि बीजेपी में कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं। और जब बात यूपी की आती है तो आपदा में जिस अवसर की तलाश कुछ नेताओं की थी वो अभी पूरी नहीं होने वाली। यूपी में योगी ही बॉस हैं और उनके चेहरे पर ही बीजेपी 27 के चुनाव में मजबूती से उतरने वाली है। लेकिन 27 से पहले अभी उपचुनाव का इम्तिहान है और फिर बदलाव के बयार की शुरुआत मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज पीएम आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी कैबिनेट की अध्यक्षता करेंगे। बैठक सुबह 10:30 बजे होगी। पीएम मोदी आज बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। असम में जनसांख्यिकी बदलाव को लेकर सीएम हेमंता का बयान सामने आया। कहा असम में मुस्लिम आबादी 40% है जिसमें 36% मुसलमान बांग्लादेश के। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सीएम हेमंता का उन पर साधा निशाना। कहा 2 महीने पहले ही अल्पसंख्यक इलाके में हेमंता वोट मांग रहे थे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी सीएम हेमंता पर किया पार। कहा घुसपैठियों को रोकना बीजेपी की जिम्मेदारी है क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के बयान सामने आया है जहां कहा है अग्निवीरों को हरियाणा में नौकरियों में मिलेगी 10% आरक्षण। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने हरियाणा सीएम पर साधा निशाना। कहा बाकी 90% का क्या होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज नार्को समन्वय केंद्र की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट और नशा मुक्त भारत का उस पर विवरण करेंगे। आज बिहार की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए। पूरे कांवड़ रोड की साफ सफाई होनी चाहिए और मरम्मत का काम भी पूरा होना चाहिए। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के सत्यापन पर मुजफ्फरनगर एसएसपी का बयान। कानून व्यवस्था को लेकर दुकानदारों को दिए निर्देश। दुकानदारों के सत्यापन को लेकर ओवैसी ने साधा निशाना। कहा मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट। ओवैसी के बयान पर विहिप नेता विनोद बंसल ने किया पर वार। कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई जहां एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर। एनकाउंटर में पुलिस ने बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए हैं जहां एनकाउंटर में पुलिस के 2 जवान भी घायल। हरिद्वार में अपने ही बच्चे को पीटने का वीडियो वायरल। पति को डराने के लिए बच्चे को पीटा। यूपी के महोबा में बाइक सवार दबंगों ने पेट्रोल पंप पर मारपीट की। पेट्रोल देने से मना करने पर पंप कर्मी को पीटा। यूपी के बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग ने नकली दूध पकड़ा। सिंथेटिक दूध बनाकर दिल्ली एनसीआर में किया जाता था सप्लाई। महाराष्ट्र के पुणे में ड्रंक एंड ड्राइव का मामला सीसीटीवी में कैद। पूर्व नगर सेवक ने मारी गाड़ी को टक्कर। ड्राइवर और क्लीनर हादसे में घायल। यूपी के आजमगढ़ में पड़ोसियों ने किया ईंट पत्थरों से हमला। पथराव की घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के गाजियाबाद में सिपाही ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हनी ट्रैप में फंसे पुलिसकर्मी ने आत्महत्या की और अपना वीडियो भी बनाया। यूपी में शाहजहांपुर में दोस्तों के साथ फायरिंग कर रहे युवक का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया है। दरअसल वीडियो में लेखपाल रुपए गिनता हुआ दिख रहा है।
यूपी के अंबेडकर नगर में आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने वाला गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के सीकर में छात्र ने खुदकुशी कर ली, परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। गुजरात के सूरत में सीआईडी और क्राइम डिपार्टमेंट ने 9 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया, 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में एसटीएफ ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, 1,32,00,000 का गांजा बरामद किया। यूपी के सीतापुर में सड़क किनारे खड़ी बुजुर्ग को बाइक सवार ने मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौके पर मौत। कर्नाटक के अंकोला में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की जान चली गई, करीब 3 लोग लापता हो गए। यूपी के कन्नौज में मुहर्रम जुलूस के दौरान घर की बालकनी गिरी, हादसे में 1 युवक की मौत, 25 लोग घायल। मध्य प्रदेश